प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इकवंजा हज़ार नवे नियुक्त करमचारियों नियुक्ति पत्र वंटे रोजगार मेले देश भर छियाली था आयोजित किए गए देश भर नवी भर्ती चुने गए कर्मचारी डाक विभाग भारती लेखा प्रीख्या भारती लेखा विभाग परमाणु ऊर्जा विभाग मालिया विभाग उच सिक्ख्या विभाग रख्याा सेहत परिवार भलाई मंत्रालय समेत वक्त मंत्राल विभागों अपन सेवा ਇਹ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਪਵੰਤੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂ देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है साथियों आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है प्रधानमंत्री ने नौजवान नवे आइडियाज से काम करने का सद् दिता उन्होंने कहा कि इक्कीवी सदी के भारत दावे बहुत उच्चिया ने समाज तो सरकार इच्छावं भी बहुत ज्यादा ने आज इक्कीसवीं सदी के भारत की आकांक्षा है बहुत ऊंची है हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने संताली तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है अगले कुछ सालों में असली तीसरी सबसे बड़ी तो अर्थव्यवस्था बनन जा रहे हैं उन्होंने कहा कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो उस विचार सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आज इक्कीसवीं सदी के भारत की आकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार वालों सारिया विकास नीतियां मिशन मोड लागू किया जा रहा है ते दी भी कीती जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार जमीनी नीति जमीन लागू करने की जिम्मेवारी नवे नियुक्त कर्मचारियों भी है जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं साथ साथ काम काज की नई व्यवस्था भी बनती है उन्होंने नव नियुक्त कर्मचारियों टीम वर्क की भावना काम करने का सद्दा दिता उन्होंने कर्मचारियों अपील की वो अपने जीवन में सीखते रहने की आदत जारी रख आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिला है मेरा आपसे आग्रह है यात्रा में आप सीखते रहने की अपनी आदत को बनाए रखिए